दोस्तों आप सब, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऑल न्यू महिंद्रा एक्सयूवी 700 का ब्लेज एडिशन कम्प्लीट। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में कम्प्लीट ऑल न्यू कलर देखने को मिलता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लेज एडिशन के अंदर। बाकी ये है गाड़ी का ओवरऑल कम्प्लीट फ्रंट से लुक। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर LED हेडलाइट्स मिल जाती है विद LED DRLs, देखने में काफी अच्छी लगती है। और ये जो कलर का एक जो फिनिश दिया गया प्रॉपर मैट फिनिश जैसा आप लोगों को फिनिश लगेगा कलर का देखने में। बाकी यहाँ पर जो है कंप्लीट डीक्रोम करके दे रही है कंपनी इस एडिशन के अंदर। महिंद्रा का लोगो यहाँ पर दिया गया है और नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल मिल जाता है। स्किड प्लेट दी गई है उसको भी यहाँ पर जो है आप लोगों को ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। और ये गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट से लुक यहाँ पर महिंद्रा XUV 700 का एक 7 लग्जरी टॉप वेरियंट आप ये देख रहे हैं ब्लेज एडिशन के अंदर गाड़ी का। बाकी जो डायमेंशन वगैरह है गाड़ी के वो लगभग सेम ही रहने वाले हैं जैसे कि नॉर्मल XUV के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड ये ओवरऑल गाड़ी का लुक रहने वाला है कंप्लीट। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट बम्पर के अंदर प्रॉपर एयर कर्टन भी मिल जाते हैं बेहतर एयर इनटेक के लिए गाड़ी के अंदर। एंड गाड़ी में बोनट में डिजाइन मिलता है बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए। आउटसाइड ORBM जो है यहाँ पर इंटरनली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल फंक्शन के साथ आते हैं विद टर्न इंडिकेटर एंड कैमरा इंटीग्रेटेड। बाकी ये गाड़ी का कंप्लीट साइड से लुक यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लेज एडिशन का काफ़ी बेहतरीन लुक देखने को मिलता है ओवरऑल गाड़ी के अंदर। रियर विंडशील्ड में रियर डिफोगर वाइपर, पीछे की तरफ LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं इस ब्लेज एडिशन के अंदर गाड़ी में। बाकी यहाँ से ओपन कर सकते हैं गाड़ी की फ्यूल लिड, 6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और BS6 फेस टू कम्प्लीट इंजन है तो यहाँ पर डेफ टैंक देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। यूरिया या AdBlue जिसे कहते हैं कुछ इस तरीके से प्रॉपर एक लग्जरी आप लोगों को यहाँ पर दिया गया फील। बाकी ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। ऊपर की तरफ सनरूफ दिया गया है, बिग साइज पैनोरामिक शार्क फिन एंटीना रूफ रेल्स एंड साथ ही साथ ब्लैक फिनिश में यहाँ पर अलॉय व्हील मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और अगर इसकी साइज की बात करूँ यहाँ पर तो 18 इंच के देखने को मिलते हैं ये। हालांकि जो ब्रेक के कैलिपर्स हैं वो यहाँ पर रेड फिनिश में मिल जाते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होता देखने में लगता। ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील मिलते हैं, सिल्वर फिनिश में जैसे जो ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। एंड ये लुक है गाड़ी का ओवरऑल कम्प्लीट साइड से देखने में ओवरऑल एक जो लुक है और काफी इन्हेंस होकर आता है गाड़ी का। एंड बाकी प्राइस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एंड डीलरशिप का नंबर वगैरह भी, तो उनको आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वारी के लिए। इन गाड़ी का कंप्लीट रियर से लुक कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है ओवरऑल। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके की टेल लाइट्स मिल जाती हैं। XUV 700 की बैजिंग AX7L लग्जरी वेरियंट जो कि टॉप वेरियंट है इसका। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर दिए गए यहाँ पर एंड ये वाइपर कैमरा मिल जाता है यहाँ पर महिंद्रा का लोगो। और आइए अब गाड़ी का बूट ओपन कर लेता हूँ मैं। तो आइए दोस्तों अब गाड़ी का मैं बूट ओपन करता हूँ। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बूट के अंदर। बाकी थर्ड रो ओपन होने के बाद कुछ इतना बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। इसको उठाएंगे तो उसके नीचे टूल किट वगैरह दी गई है। स्पेयर व्हील जो है गाड़ी में नीचे की तरफ ही देखने को मिलता है। और थर्ड रो के लिए भी यहाँ पर स्पीकर दिए गए हैं, AC वेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ साइड में आप लोग देख सकते हैं AC वेंट्स मिलते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, कप होल्डर। एंड अगर बूट स्पेस ज्यादा आप लोगों को चाहिए तो थर्ड रो को आप लोग यहाँ पर फोल्ड भी कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि कम्प्लीटली फ्लैट फोल्ड हो जाती है ये काफी अच्छी चीज लगी। बाकी यहाँ पर भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करे गए हैं गाड़ी के अंदर जो ये काफी अच्छी चीज है। और जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो भी गाड़ी में काफी सॉलिड देखने को मिलती है। पीछे ब्लेज एडिशन की बैजिंग दी गई है, साथ ही साथ जो आप लोग देख सकते हैं कम्प्लीट इसका एक ओवरऑल लुक। पीछे के पैसेंजर साइड गेट का आप लोगों को मैं लुक ओपन करके दिखाता हूँ गाड़ी के, तो ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के पीछे के पैसेंजर साइड गेट का लुक इस कम्प्लीट ब्लेज एडिशन का। यहाँ पर कंप्लीट ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है जो कि नॉर्मल XUV 700 में देखने को नहीं मिलता। कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है लेदर का। यहाँ पर पावर विंडो की कंट्रोल, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी की रियर की सीट्स। काफी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं लेदर एट अपोल्सी में सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। और मैं चलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ यहाँ पर। बाकी लेग रूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर गाड़ी के अंदर, काफी कंफर्टेबल देखने को मिलती है ओवरऑल जो इसकी सिटिंग पोजीशन दी गई है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं पीछे की सीट में। और दो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और थर्ड रो का जो यहाँ पर फिक्स हेडरेस्ट दिया गया है, मतलब जो मिडिल पैसेंजर बैठेगा यहाँ पर। बाकी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं सीट में। सीट ओवरऑल काफी कंफर्टेबल मिल जाती है गाड़ी के अंदर। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं और AC गाड़ी का काफी यहाँ पर पावरफुल देखने को मिलता है, काफी जल्दी चिल कर देता है पूरे केबिन को यहाँ पर। चाहे मैं थर्ड रो की तक बात करूं, बेहतरीन AC मिलता है यहाँ पर। गाड़ी जो है काफी पावरफुल मिल जाती है सेफ्टी के तौर पे।
यहाँ पर एयरबैग्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं कंप्लीट गाड़ी के अंदर, साथ ही साथ एबीएस, ईबीडी और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, फ्रंट एंड साइड इंपैक्ट बीम्स, और साथ ही साथ टॉप वेरिएंट है तो कई सारे आप लोगों को लेवल 2 एडास के जैसे भी आप लोगों को फीचर्स ऑफर करती है महिंद्रा अपनी गाड़ियों के अंदर। बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जो कि रियर तक आता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। इसका एक ही निगेटिव पॉइंट है कि जो कपड़ा यहाँ पर यूज किया गया ये काफी पतला देखने को मिलता है, तो गर्मी के दिनों में मेरे हिसाब से हीट जो है काफी जल्दी अंदर आएगी, लेकिन उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि गाड़ी का जो एसी वगैरह वो काफी पावरफुल दिया गया। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद कोठो, रीडिंग लाइट्स मिल जाती है यहाँ पर, एंड लेगरूम में कोई दिक्कत नहीं आती है। पीछे की दोनों ही सीट्स के पीछे आप लोगों को पॉकेट मिल जाती है यहाँ पर, और बीच में उतना हम भी नहीं, तो थर्ड रो के पैसेंजर को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बैठने में। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर एयरबैग वगैरह की बैजिंग दी गई, और जो ग्लास एरिया गाड़ी में मिलता है वो काफी बेहतरीन मिलता है यहाँ पर, तो गाड़ी में अंदर बैठने के बाद काफी खुला खुला महसूस होता है और क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। और ये कंप्लीट फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है, पीछे की सीट से महिंद्रा एक्सयूवी 700 के AX7 लग्जरी ब्लेज एडिशन का, काफी प्रीमियम लगता है देखने में इस कंप्लीट ऑल ब्लैक थीम के साथ, रेड स्टिचिंग मिल जाती है कंप्लीट, सीट बेल्ट की हाइट वगैरह को जो एडजस्ट किया जा सकता है यहाँ पर। और आइए दोस्तों अब गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का लुक ओपन करके देखते हैं कि वहां क्या कुछ ऑफर करती है गाड़ी। बाकी यहाँ पर ब्लेज एडिशन की बैजिंग दी गई है, और आइए अब गाड़ी के ड्राइवर सीट गेट का आप लोगों को मैं लुक दिखाता हूँ। ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है यहाँ पर गाड़ी के ड्राइवर सीट डोर का, यहाँ पर कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है, पावर विंडो की कंट्रोल आउटसाइड वॉल्यूम अनफोल्ड 4 करके एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, पावर विंडो की कंट्रोल्स, ड्राइवर सीट सीट विद मेमोरी फंक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड करे गए, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट दिया गया है गाड़ी के अंदर। बाकी ओवरऑल काफी लग्जरी फील जरूर आती है गाड़ी के अंदर, और लंबा सपोर्ट वगैरह जो है सीट का यहाँ पर इस लीवर की मदद से एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी अंदर बैठता हूँ, चलिए मैं गाड़ी के डोर्स में नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं, सोनी के स्पीकर्स में मिलते हैं गाड़ी के अंदर, एंड काफी अच्छा यहाँ पर लगता है सीट का ओवरऑल कंफर्ट। सीट्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट किया जा सकता है यहाँ पर, केवल जो लंबा सपोर्ट है उसके लिए यहाँ पर दिया गया लीवर मतलब एडजस्ट करने के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, देखने में ओवरऑल काफी अच्छा लगता है यहाँ पर, ओवरऑल जो इसको आउटपुट निकल के आ रहा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल स्पीड, ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गाड़ी का रियल टाइम एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी आप लोगों को सेट करेगा, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, आउटसाइड टेम्परेचर, डेट एंड टाइम, गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, सारी चीजें बताएगा, एंड देखने में ओवरऑल काफी अच्छा लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी स्टीयरिंग व्हील भी कंप्लीट लेदर रैप दिया गया है ब्लैक फिनिश में, रेड स्टिचिंग के साथ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स का यूज किया गया है, क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल, और यहाँ से काफी सारी चीजों को आप लोग ब्राउज कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ इस तरह की आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलाइट के फीचर के साथ, राइट साइड से हेडलाइट का लेवल वगैरह एडजस्ट किया जा सकता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, आउटसाइड ओआरएम की साइज वगैरह जो है वो भी काफी अच्छी मिलती है, तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर सोनी के स्पीकर्स दिए गए, मतलब जो ट्विटर्स वगैरह दिए गए, ओवरऑल जो उसका साउंड आउटपुट है गाड़ी का वो काफी बेहतरीन देखने को मिलता है यहाँ पर, हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती, फ्रंट की सीट जो है और भी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है बैठने में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो साइड सपोर्ट है, साथ ही साथ थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो भी काफी अच्छा मिलता है यहाँ पर, एंड कुछ इस तरीके का बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और भी कई सारे कनेक्टेड कार फीचर्स को ये सपोर्ट करता है यहाँ पर, साथ ही साथ ब्लूटूथ एफएम रेडियो को भी सपोर्ट करेगा ये। बाकी देखने में ओवरऑल जो इसका आउटपुट वगैरह है वो काफी अच्छा लगता है यहाँ पर। नीचे की तरफ एसी वेंट्स मिल जाते हैं क्रोम इंसर्ट्स के साथ आप लोग देख सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है यहाँ पर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है ड्यूल जोन विथ हीटर, यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं आप लोगों को बटन्स के तौर पे, रियर एसी कंट्रोल करना है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ करना यहाँ से कर सकते हैं, ये काफी अच्छी चीज लगी। बाकी आप लोगों को वो चीज यहाँ पर इंपोर्टेंट में भी शो हो जाएगी, आप लोग अपने टेम्परेचर वगैरह यहाँ से भी कर सकते हैं, स्मार्ट एयर फिल्टर मिल जाता है जो कि काफी सारे बैक्टीरिया वगैरह को यहाँ पर अंदर नहीं आने देता गाड़ी को, और एक प्योर एयर आती है गाड़ी के अंदर। नीचे की तरफ काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हजार्ड लाइट का स्विच वहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये मैंने जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे तो जो गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा आप लोगों को बेसिकली दिया गया है वो यहाँ पर ऑन हो जाता है, और जो उसका देखने में आउटपुट वगैरह है वो काफी अच्छा लगता है यहाँ पर ओवरऑल। साथ ही साथ आप लोगों को लेन वॉच कैमरा वगैरह भी यहाँ पर गाड़ी के अंदर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ये काफी अच्छी चीज है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर डैशबोर्ड में भी रेड स्टिचिंग का यूज किया गया है गाड़ी के अंदर ओवरऑल। बाकी बोनट वगैरह दिखाई देता है गाड़ी के अंदर बैठने के बाद,
एंड ये इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है गाड़ी के अंदर। यूएसबी टाइप चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट दिया गया है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर टॉप वेरियंट तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ। और ये जो है काफी अच्छी चीज लगी, इस जॉयस्टिक की मदद से आप लोग अपना जो इन्फोटेनमेंट है उसको कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से साउंड वगैरह हर चीज कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ से। ब्लूटूथ एंड फोन के कंट्रोल्स को भी यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। और देखने में इसका जो एक ओवरऑल थीम यूज किया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश विद रेड आप लोगों को कलर इंसर्ट दिए गए। बिग साइज आर्मरेस्ट मिल जाता है सेंटर में, और इसके नीचे भी काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है आप लोगों को। और अच्छी बात क्या है कि कूलिंग फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इस आर्मरेस के अंदर, जो कि काफी अच्छी चीज लगी मुझे। ऊपर की तरफ बिग साइज पेनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, जो कि पूरा पीछे तक ओपन होता है। सेगमेंट में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सनरूफ है ये, आप लोग देख सकते हो। गाड़ी जो है, मतलब जब मैंने खुद इस गाड़ी को पर्सनली चलाया था, इसकी टेस्ट ड्राइव लिया था, तो गाड़ी जो है रोड नहीं छोड़ती है, चाहे कितनी भी स्पीड में चले। इसका जो कंट्रोलिंग वगैरह दी गई है गाड़ी की, वो काफी बेहतरीन मिलती है। कंप्लीट सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है। बाकी ड्राइवर सेट सनशेड आप लोगों को प्लेन ही मिलता है। पैसेंजर सेट सनशेड वैनिटी मिरर विद लाइट यहां पर दी गई है व्हाइट एल्यूमिनेशन के साथ। एंड ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करूं तो काफी बिग साइज ग्लव बॉक्स यहां पर दिया गया है लाइटिंग के साथ। बाकी आर्मरेस्ट यहाँ पर कूल मिल जाता है। यहाँ पर डैशबोर्ड में भी आप लोगों को माउंटेड्स मिल जाते हैं इसके स्पीकर सबवूफर्स वगैरह। एंड अंदर बैठने के बाद काफी लग्जरी फील जरूर आती है। और इस ब्लेज एडिशन के अंदर बेसिकली मुझे जो है ब्लैक इंटीरियर ही काफी पसंद है, और इस ब्लैक इंटीरियर में ही काफी अच्छे एक सूट कर रहा है ओवरऑल जिसका डैशबोर्ड का डिजाइन रखा गया एक्सयूवी 700 का यहाँ पर। बाकी स्टीयरिंग व्हील की फंक्शन की बात करूं यहाँ पर, तो आप लोगों को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं मिलेगा, मतलब टिल्ट फंक्शन के साथ ही आएगा यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो दिया गया। और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन मिलता है गाड़ी के अंदर यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में, ये काफी अच्छी चीज है। बाकी चलिए यहां से मैं गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर लेता हूँ और चाबी की बात कर लेते हैं। पहले कुछ इस तरीके की चाबी देखने को मिलती है। चाबी में महिंद्रा को जरूर कुछ अपग्रेड करना चाहिए, जैसे कि ब्लेज एडिशन वगैरह। बाकी ऐसे ही कुछ आप लोगों को चाबी बुलेरो वगैरह में भी देखने को मिलती है, तो चाबी के मामले में महिंद्रा को कुछ यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ से लाइट्स वगैरह और डीआरएल्स वगैरह को आप लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब मैं गाड़ी का बोनट ओपन करता हूँ यहाँ से और दिखाता हूँ आप लोगों को गाड़ी का इंजन। तो ये दोस्तों महिंद्रा की तरफ से आने वाला 2.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज एमहॉक डीजल इंजन, जो कि 182 हॉर्स पावर देगा इन 420 Nm टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ऑटोमेटिक लेंगे तो 450 Nm का टॉर्क निकल के देगा ये इंजन। बाकी ऊपर बोनट में पैडिंग मिलती है, इससे केबिन में साउंड कम जाए। और ये कंप्लीट लुक है इसके इंजन का, काफी ज्यादा पावरफुल इंजन है, BS6 फेस 2 कंप्लाइंट इंजन है ये महिंद्रा की तरफ से आने वाला। बाकी 2000cc का पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन आता है गाड़ी के अंदर। एंड ये कंप्लीट लुक है। हीट इंसुलेशन जो मटेरियल वगैरह है वो महिंद्रा काफी अच्छा यूज करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। हम बाकी इंजन के नीचे भी प्रॉपर कवरिंग मिलती है बेहतर सेफ्टी के लिए। तो चलिए मैं गाड़ी का बोनट यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा महिंद्रा एक्सयूवी 700 के ब्लेज एडिशन का वीडियो, मुझे कमेंट से बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।